वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। सबसे पहले टिश्यू क्या होते हैं, आप लोग पिछले क्लास में पिछले लेक्चर्स में देखें कि टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑरिजिन के सेल होते हैं, जिनका की स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, जिनके फंक्शन सिमिलर होते हैं और वो सब मिल करके एक स्पेसिफिक काम को कर रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन को कर रहे होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज सेल्स विच आर ऑफ सिमिलर ऑरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दे परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन। तो टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ सिमिलर ऑरिजिन एंड सिमिलर स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन। ओके, तो टिश्यू आपके समूह होते हैं कोशिकाओं के, जो कि जिनका की उत्पत्ति एक होता है, सिमिलर होता है, जिनका की आकार, उनका स्ट्रक्चर, उनका ढांचा सिमिलर होता है, ठीक है, और वो किसी विशेष कार्य को कर रहे होते हैं, किसी विशेष फंक्शन को कर रहे होते हैं, तो उनको हम लोग टिश्यूज बोलते हैं। टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। आप देख सकते हैं इस इमेज में, यहाँ पर आपको ढेर सारे सेल्स पैक्ड दिखाई दे रहे हैं। ये एक प्लांट टिश्यू का इमेज है और इसमें आपको प्लांट के ढेर सारे सेल्स आप देख सकते हैं कि सारे सेल्स आपस में एक साथ इकट्ठे हैं और ये सब एक साथ इकट्ठे होकर के कोई स्पेसिफिक फंक्शन को कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि इनके सभी के स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर आपको दिखाई दे रहे हैं। जो ग्रुप्स हैं आप देख पा रहे हैं कि डिवीजन में है, ये आप एज पे देख सकते हैं, इस इमेज के एज पे कि आपको इलोंगेटेड सेल्स दिखाई दे रहे हैं। आप सेंटर में देख सकते हैं इस इमेज में कि आपको कुछ स्फेरिकल टाइप के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और वो ग्रुप्स में हैं। आप अगर कॉर्नर साइड पे देखें तो एक लाइन आपको दिखेगा जो कि सिमिलर सेल्स का एक लाइन, पूरा इमेज आपको लाइन में दिखेगा उस इमेज में, और उसमें आप देख सकते हैं कि वो एक टिश्यू है, वो एक ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है। तो ऐसे ही ढेर सारे ग्रुप्स ऑफ सेल हैं जो कि कुछ फंक्शंस को प्लांट में करवा रहे हैं। कैसे कैसे फंक्शन है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का काम है, वाटर मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन, फूड के ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन, इस तरीके का और भी बहुत सारा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहा है प्लांट्स में, जो ऑब्टेन हो रहा है रेस्पिरेशन के बाद, फोटोसिंथेसिस के बाद, उसको कैसे डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करना है, ये सब का भी काम चल रहा है प्लांट्स के अंदर में। तो सेल्स के अंदर भी आप जानते हैं ढेर सारे फंक्शन हो रहे होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम चल रहा होता है, रेस्पिरेशन के जरिए एनर्जी बन रहा होता है, फैट मॉलिक्यूल्स का पैकेजिंग हो रहा होता है, तो बहुत सारे काम सेल्स के अंदर भी हो रहे होते हैं। तो वैसे ही सेल्स के ग्रुप जब कंबाइन करते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू जो है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि कुछ फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप लोग टिश्यू के स्टार्टिंग लेक्चर में आपने देखा था कि ह्यूमंस में जो ब्लड का जो टिश्यू है, जो कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, वो आपके अंदर ट्रांसपोर्टेशन के फंक्शन को कर रहा है, आपके बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है। उसी तरीके से प्लांट में जो उसके जो टिश्यू है, जैसे उसके मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, उसके परमानेंट टिश्यू हैं, तो वो भी कुछ फंक्शन को कर रहे हैं। जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू हैं आप जान रहे हैं, उसमें मेरिस्टमैटिक टिश्यू वो भी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, और इसके सेल्स जो हैं उसके सेल्स थिन वॉल्ड हैं, उसका जो वाकुओल है वो छोटा है और उसके न्यूक्लियस बड़े साइज के हैं, उसका न्यूक्लियस बड़ा है, साइटोप्लाज्म जो है वो होमोजेनस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टिशू के सेल्स को आप देख सकते हैं कि ये एक मेरिस्टमैटिक टिशू का एक सेल आपको देख पा रहे हैं आप, उसमें ये सेल में आप सब कुछ को देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके का इसका फीचर्स है, इसके पार्ट्स का जो वाकुओल है आप उसको देख पा रहे हैं कि ये छोटा है इसमें कंपैरेटिवली, जैसा कि प्लांट सेल में आप देखते हैं बड़े साइज के वाकुओल्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस इसमें आपको आप डोमिनेंटली बड़ा एक न्यूक्लियस देख पा रहे हैं इस सेल में। तो मेरिस्टमैटिक टिश्यू के जो सेल होते हैं वो बड़े होते हैं, उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो बड़े होते हैं, उनके वॉल थिन वॉल्ड होते हैं, उनके वाकुओल्स छोटे होते हैं। क्यों छोटे होते हैं वाकुओल्स, क्योंकि देखिए या तो छोटे होते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू के सेल के वाकुओल्स, या तो उनमें वाकुओल्स होता ही नहीं है। कारण क्या है इसके पीछे, आखिर क्यों वाकुओल्स छोटे होते हैं या नहीं होते हैं। दरअसल वाकुओल्स का फंक्शन क्या था, याद कीजिए जब हमने सेल चैप्टर पढ़ा था तो हमने जाना था कि वाकुओल्स स्टोर सेल सैप, सेल फूड एंड सेल वाटर। वाकुओल्स के अंदर सेल का सैप, फूड, वाटर, ये सब कंटेंट मौजूद होता है। वाकुओल्स स्टोरेज सेंटर है, वहां पे स्टोर होता है सब कुछ। तो जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू है उसके सेल्स तो रेपिडली डिवाइड हो रहे हैं, तो उसको स्टोरेज की उतनी आवश्यकता नहीं है, उसको डिवाइड करना है तो डिवीजन के लिए जो ऑर्गेनिल्स चाहिए होंगे वो उसमें प्रोमिनेंट होंगे, डोमिनेंट होंगे। तो आपको पता है सेल डिवीजन में आपने जब पढ़ा था पिछले चैप्टर में, आपने सेल डिवीजन भी पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमैटिड नेटवर्क होते हैं, जो कि क्रोमोजोम के डेंस कॉइल्ड नेटवर्क होते हैं,
और वो क्रोमोजोम्स ही आपके डिवीजन में हिस्सा लेते हैं और सेल डिवीजन करवाते हैं। आप देखे थे सेल डिवीजन दो तरह के थे, मिटोसिस और मियोसिस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अभी प्लांट टिश्यू के बारे में चर्चा करते हैं कि अब प्लांट टिश्यू, टिश्यू आप लोगों ने समझा कि ग्रुप ऑफ सिमिलर ओरिजिन के सेल जिनका कि स्ट्रक्चर भी बहुत हद तक सिमिलर होता है और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो टिश्यू की डेफिनेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको टिश्यू का डेफिनेशन बहुत ही आसान है, आप याद, ये अभी तक हो चुका होगा आपको, इसको इंटेंशनली आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ये आप समझ करके ही आपको याद हो जाएगा ये कि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है। सबसे पहला बात है कि ये समूह है कोशिकाओं का, ठीक है। और ये कैसे कोशिकाओं का समूह है, ये ऐसे कोशिकाओं का समूह है जो कि सिमिलर ओरिजिन के हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर है इनका और ये किसी स्पेसिफिक फंक्शन को कर रहे हैं, ठीक है। तो टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन एंड प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेरिस्टमैटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। व्हाट इज मेरिस्टमैटिक टिश्यू एंड व्हाट इज परमानेंट टिश्यू? मेरिस्टमैटिक टिश्यू आर टिश्यूज दैट हैज द एबिलिटी टू डिवाइड। मेरिस्टमैटिक, डू यू नो व्हाट आर मेरिस्टेम्स? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेरिस्टेम्स? ग्रोइंग पार्ट्स, ग्रोइंग रीजंस ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मेरिस्टेम्स। जो प्लांट्स के बढ़ने वाले जो हिस्से होते हैं, प्लांट्स के जो ग्रो करने वाले जो रीजन होते हैं, जैसे कि उसके एपेक वाले जो रीजन है, जो टिप्स वाले रीजन है, चाहे वो लीफ का टिप हो, चाहे स्टेम का टिप हो या रूट का टिप हो, आप वहां पे देख सकते हैं कि आपके मेरिस्टमैटिक टिश्यू के सेल्स पाए जाएंगे आपके ऑन द टिप्स ऑफ रूट, ऑन द टिप्स ऑफ सूट, ठीक है। तो इसीलिए इनको हम लोग एपिकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। और ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? ये जो इंटर नोड्स होते हैं उनके पास भी ये इंटर कैलरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू के रूप में पाया जाता है, जो कि उस प्लांट के हाइट को बढ़ने में, लेंथ को बढ़ने में मदद करता है। और इसके स्टेम और रूट के पास भी आपके मेरिस्टमैटिक टिश्यू पाए जाते हैं। स्टेम और रूट के पास आपके लैटरल मेरिस्टमैटिक टिश्यू है और लैटरल मेरिस्टमैटिक टिश्यू जो है वो प्लांट में आपके ओवरऑल जो उसका मोटाई है, प्लांट के स्टेम का जो चौड़ाई है, जो गर्थ है, जो विथ है, चाहे वो स्टेम का विथ गर्थ हो, चाहे वो रूट का गर्थ और विथ की बात हो, वो रूट और स्टेम के विथ और गर्थ को बढ़ाता है आपका लैटरल मेरिस्टमैटिक टिश्यू। तो आप देख पा रहे हैं कि प्लांट के अलग अलग रीजन्स में ये टिश्यू पाए जा रहे हैं। आपका जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू है वो आपके एपिकल मेरिस्टेम्स जो है वो ऑन द एपेक्स, ऑन द टिप्स ऑफ लीफ, स्टेम एंड रूट, लीफ के टिप्स, स्टेम्स के टिप और रूट के टिप्स पे आपके एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू पाए जा रहे हैं। जो इंटर कैलरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू है वो आपके इंटर नोड्स के पास में पाए जा रहे हैं और जो आपका लैटरल मेरिस्टमैटिक टिश्यू है वो आपका रूट और स्टेम के पास में, आपका वो लैटरल मेरिस्टमैटिक टिश्यू पाया जा रहा है जो कि आपके रूट और स्टेम में उसके विड्थ, उसके चौड़ाई को, मोटाई को उसका बड़ा करवा रहा है, ठीक है। आप देखते हैं कि लीव्स जब ग्रो कर रहे होते, पहले जब लीव निकलते हैं तो वो छोटे छोटे साइज के होते हैं, धीरे धीरे उनका साइज बड़ा होता है, वो एक्सपैंड करते जाते हैं, उनको जैसे जैसे सनलाइट मिलता है उस हिसाब से आप देखते हैं कि लीफ में ग्रोथ होता है। आप कभी गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जहां पर सनलाइट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जहां पर लाइट बहुत ज्यादा आता है, वहां पर पत्ते जो होते हैं वो छोटे होते जाते हैं ताकि उनसे ट्रांसपिरेशन लॉस कम हो। और जबकि जहां पर आपके लाइट कम आता है वहां पर आप देखेंगे कि पेड़ों के, पौधों के पत्ते जो है वो बड़े साइज के होंगे, ठीक है। आप ये इसको कॉमन ऑब्जर्वेशन आप कीजिएगा, आप आज जब कभी भी बाहर जाइएगा तो देखिएगा अपने गार्डन में ही, जो आपका जो शेडेड एरिया है आपके गार्डन का, जो प्लॉट प्लॉट जहां पे शेड आता है, बहुत ज्यादा टाइम तक वहां पे शेड रहता है, दिन के ज्यादातर समय वहां पर धूप नहीं आ पाता है, वहां पर जो प्लांट्स उग रहे होंगे उनके पत्तों को आप कंपेयर कीजिएगा उस जगह के प्लांट से जहां पर मैक्सिमम लाइट पड़ता है, मैक्सिमम ड्यूरेशन जो डे का है उसमें वहां पर लाइट पहुंचता है, तो आप उसको कंपेयर कीजिएगा तो आप देखेंगे कि लीफ जो है आपका जो कि शेडेड रीजन में है वो छोटे छोटे, वो बड़े बड़े पाए जाएंगे और जो लाइट वाले रीजन में है उनके लीफ छोटे छोटे होंगे। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल तो आप डेजर्ट प्लांट्स में देख सकते हैं। डेजर्ट्स में आपका जानते हैं ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट सबसे मैक्सिमम होता है, बहुत इंटेंस होता है सनलाइट, और उसका जो तीव्रता होता है सनलाइट का वो बहुत ज्यादा होता है। इसी के वजह से वहां पर आप देखते हैं जो जेरोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं, कैक्टस प्लांट्स होते हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि उनके लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, उनके पत्तियां मॉडिफाइड होती हैं, विकसित होती हैं कांटों के रूप में। वो कांटे इसलिए होते हैं ताकि सरफेस एरिया कम हो सके, अगर पत्ता बड़ा होता तो उसका सरफेस एरिया बड़ा होता, ज्यादा बड़ा एरिया से ट्रांसपिरेशन होता, वाटर लॉस होता, और पत्ता जब छोटा हो गया, कांटा के रूप में हो गया,
है तो उससे ट्रांसपिरेशन लॉस को वो प्रिवेंट कर पा रहा है कैक्टस का प्लांट, तो वो अपने प्रीसियस वाटर को सेव कर पा रहा है। तो आपके ये जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू है आप इसके पोजीशंस को देख पा रहे हैं कि ये पहली बात है कि ये तीन पार्ट में क्लासिफाई किए गए हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू को, एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू और लैटरल मेरिस्टमैटिक टिश्यू। मेरिस्टेम्स का मतलब आप समझे, ग्रोइंग रीजंस ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मेरिस्टेम्स। तो एपिकल मेरिस्टेम्स या एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू वो वाला रीजन है जहां पे उसके एपेक्स का ग्रोथ हो रहा है, जहां पे उसके टिप्स का ग्रोथ हो रहा है, जहां पे उसके एंड्स का ग्रोथ हो रहा है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स वो रीजन है जहां पर उसके हाइट का, उसके लेंथ का ग्रोथ करवाया जा रहा है, इससे वो प्लांट लंबा होता है, ऊंचा जाता है। ठीक है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स भी जो है वो आपके ग्रोइंग रीजन है प्लांट के, और वहां पर आपके लेंथ और हाइट का ग्रोथ हो रहा है। जो आपके लैटरल मेरिस्टेम्स हैं वो भी आपके प्लांट के ग्रोइंग रीजन है और वहां भी आपका ग्रोथ हो रहा है स्टेम के और रूट के विड्थ का। तो अब हम लोग थोड़ा मेरिस्टमैटिक टिश्यू के सेल्स के बारे में चर्चा करते हैं कि उनके सेल्स के क्या फीचर होते हैं, उनके सेल्स कैसे काम करते हैं, उनका डिवीजन का क्या क्राइटेरिया है, क्यों वो डिवीजन कर पाते हैं और क्या क्या स्पेशलिटी है जिसके बदौलत वो डिवीजन कर पाते हैं, उनके अंदर क्या स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं जिसके बदौलत वो इतना रेपिडली डिवाइड कर पाते हैं। आपको पता है कि ये जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू के द्वारा जो डिवीजन का प्रोसेस है ये प्लांट के लाइफ टाइम चलता है। प्लांट का जब तक लाइफ होता है तब तक ये मेरिस्टमैटिक टिश्यू डिवाइड करते रहते हैं, ये प्रोसेस चलता रहता है और वो प्लांट ग्रो करते रहता है, ग्रोथ होते रहता है। आप जानते हैं कुछ कुछ प्लांट जो होते हैं जैसे रेडवुड ट्री और पाइन ट्रीज, ये सब तो 1000 ईयर तक इनका लाइफ स्पैन होता है, तो मतलब उतने साल तक ये ग्रोथ इनमें होता रहता है, बढ़ते रहता है। आप कभी बरगद का पेड़ देखे होंगे, आप कभी पीपल का पेड़ देखे होंगे, उसमें आप ध्यान दिए होंगे कि उसका भी ग्रोथ आप देखे होंगे, उसका स्टेम कितना चौड़ा हो जाता है, उसका ट्रंक जो होता है वो कितना, उसका विड्थ कितना ज्यादा होता है और उसके रूट्स कितने बड़े बड़े मोटे मोटे हो जाते हैं। तो आप ये सब देख पाते हो, वो कितने हाइट हो जाता है, कितना स्प्रेड हो जाता है वो प्लांट, कितना बड़ा एरिया में वो फैला हुआ होता है, तो आप ये सब देख पाते हैं। तो ये जो प्लांट का ग्रोथ है, चाहे उसका ओवरऑल हाइट का ग्रोथ हो, चाहे उसका लीफ के एंड पे, उसके लीफ के टिप पे जो ग्रोथ हो रहा है, चाहे उसके रूट के टिप पे जो ग्रोथ हो रहा है, ये सारा ग्रोथ इंश्योर हो पा रहा है मेरिस्टमैटिक टिश्यू के बदौलत। लीफ और रूट और स्टेम के टिप्स का ग्रोथ हो रहा है आपके एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू के बदौलत। ठीक है, तो और आपको पता है जब सेल्स जो है आपके डिवाइड करके एक स्पेसिफिक फंक्शन को एक्वायर कर लेते हैं, एक शेप अटेन कर लेते हैं, एक साइज अटेन कर लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो सेल डिफरेंशिएटेड हो चुके हैं। इसको हम लोग सेल डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। व्हेन अ सेल आफ्टर डिवीजन टेक्स अ स्पेसिफिक फंक्शन, पिक्स अप अ स्पेसिफिक रोल एंड स्ट्रक्चर इन द प्लांट, देन दोज सेल्स आर कॉल्ड टू बी डिफरेंशिएटेड, दे आर सेड टू बी डिफरेंशिएशन हैव बीन डन इन द प्लांट द सेल्स। ओके, सो दीज मेरिस्टमैटिक टिश्यू, दीज डिफरेंशिएटेड सेल्स आर फाउंड ऑन द रूट टिप्स, ऑन द रूट टिप्स दीज आर कॉल्ड द एपिकल मेरिस्टमैटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम्स। आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, आपको रूट का टिप दिख रहा है इसमें, और ये रूट के टिप में आपके ये सेल्स पूरा पैक्ड आप देख सकते हैं। इसको आप और अगर जूम करके देखेंगे इस इमेज को, तो आप पाएंगे कि इसमें ढेर सारे सेल्स पैक्ड हैं। इंटरसेलुलर स्पेस उनके बीच में आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस है और वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं और वो कुछ फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं उस सेल में। वहां पर जो आपके रूट के टिप पर जो आपके मेरिस्टमैटिक रीजन है, वहां पर आपके जो मेरिस्टमैटिक सेल्स हैं वो डिवीजन के फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, और इसके लिए उनमें क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं, क्या स्पेशल फीचर है। यहाँ के जो सेल हैं वो राउंड हैं, यहाँ के जो सेल हैं वो ओवल हैं और मल्टी साइडेड हैं। ठीक है, और इनके जो सेल वॉल हैं वो थिन हैं, इनके जो साइटोप्लाज्म है वो होमोजीनस है। तो आपकी ये एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम के रूप में डिवाइडेड है। अब आपके जो परमानेंट टिश्यू हैं, उन परमानेंट टिश्यू को हम लोग बांटे हैं दो तरीके से, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, आप लोग पिछले लेक्चर में भी जाने थे कि परमानेंट टिश्यू वैसे समूह होते हैं सेल्स के। देखिए, पहले ये
मेरिस्टमैटिक टिश्यू के ही सेल्स हुआ करते थे, लेकिन मेरिस्टमैटिक टिश्यू के सेल जब डिवाइड करके किसी रीजन में जाकर के कोई स्पेसिफिक फंक्शन को एक्वायर कर लिए और फिर एक्वायर करने के बाद वही स्पेसिफिक फंक्शन को वो करने लगे वहां पर, तो वो सेल्स जो होते हैं वो परमानेंट बन जाते हैं, वो अपने डिवीजन के एबिलिटी को लूज कर देते हैं और वो स्पेसिफिक फंक्शन वहां पे पकड़ लेते हैं, रोल को पिकअप कर लेते हैं और डिवीजन के एबिलिटी को लूज कर देते हैं। और इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं कि एक नया जो एबिलिटी को पिक कर लेते हैं वो लोग, एक नया स्ट्रक्चर शेप साइज को अटेन कर लेते हैं वो लोग, इसको हम लोग बॉडी डिफरेंशिएशन बोलते हैं। प्लांट का प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। और ये डिफरेंशिएशन करने के बाद ही जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू है वो आपके परमानेंट टिश्यू में बदलते हैं, ठीक है। जब इनका डिफरेंशिएशन हो जाता है मेरिस्टमैटिक टिश्यूज का, तो ये परमानेंट टिश्यू कहे जाते हैं। ये जब कोई एक परमानेंट शेप साइज अटेन कर लेते हैं और एक फंक्शन को पिकअप कर लेते हैं तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और ऐसा आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दिखेगा। यहाँ के जो सेल्स हैं ये एक परमानेंट शेप साइज को अटेन कर लिए हैं और एक फंक्शन को ये पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो आपके तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पैरेन्काइमा ये कैसे हैं। आप इमेज देख पा रहे हैं पैरेन्काइमा में, ये सिमिलर टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं। इनके सेल्स जो हैं वो सिमिलर स्ट्रक्चर सिमिलर शेप साइज के हैं, ठीक है। तो ये सिमिलर टाइप ऑफ सेल हैं, एक ही तरह के सेल हैं, तो इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनके सेल्स में, तो इसके वजह से इसको हम लोग सिंपल टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है, परमानेंट टिश्यू वैसे टिश्यू है जो कि आपका एक स्पेसिफिक फंक्शन एक स्पेसिफिक रोल को पिक कर लिए। देखिए जब मेरिस्टमैटिक टिश्यू मिटोसिस के बाद उनके जो न्यू सेल्स फॉर्म हुए थे वो किसी स्पेसिफिक फंक्शन रोल को अडॉप्ट करके अपने डिवीजन को एबिलिटी को जब लूज कर दिए थे तो उनको परमानेंट टिश्यू कहा गया था। और इन्हीं परमानेंट टिश्यू को दो हिस्से में बांटा गया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू को तीन हिस्से में बांटा गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा के आपके आप देख पा रहे हैं इमेज में कि इनके जो सेल्स हैं वो सिमिलर टाइप्स ऑफ हैं, ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं ये, इसीलिए इनको हम लोग सिंपल टिश्यूज भी बोलते हैं। जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं वो सिंपल टिश्यू होते हैं। आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें वाकुओल्स हैं, इसमें साइटोप्लाज्म का रीजन आप देख पा रहे हैं और इसका सेल वॉल भी देख पा रहे हैं। और जो पैरेन्काइमा के सेल हैं उसके जो सेल वॉल है वो कॉर्नर्स पे थिकेंड है। आप देख पा रहे हैं इमेज में कि पैरेन्काइमेटस सेल्स के जो सेल वॉल हैं वो उनके कॉर्नर पर थिकेंड है और उनके वाकुओल्स जो है वो बड़े साइज के हैं, ठीक है। क्यों इनके वाकुओल्स बड़े साइज के हैं? क्योंकि अब ये परमानेंट एक फंक्शन को अटेन कर चुके हैं और अब इसके फंक्शन में इन वाकुओल्स को हो सकता है कुछ सामग्री को स्टोर करना हो, इनको अब डिवीजन करना नहीं है तो इनको स्टोरेज का काम हो सकता है, ठीक है। तो इसके वजह से ये पैरेन्काइमा के जो सेल्स हैं इनके वाकुओल्स आप देख पा रहे हैं कि ये बड़े हैं और ये किसी स्पेसिफिक फंक्शन को अब कर रहे हैं, ये डिवीजन के एबिलिटी को लूज कर दिए हैं, इसीलिए आप इसमें न्यूक्लियस को एक प्रोमिनेंट डोमिनेंट न्यूक्लियस को आप नहीं देख पा रहे। न्यूक्लियस होता है लेकिन छोटा होता है इन सेल्स में, ठीक है। और पैरेन्काइमा के जो आपके सेल्स हैं आप इनमें देख पा रहे हैं कि इनके सेल वॉल्स आपके थिकेंड हैं, लिग्निन डिपॉजिटेड होता है इनके सेल वॉल के कॉर्नर्स पे। आपको पता है सेल वॉल जो होते हैं वो बने हुए होते हैं सेल्यूलोज और चिटिन से, ठीक है। सेल वॉल आपने सेल चैप्टर जब पढ़ा था तो उसमें देखा था कि सेल वॉल और मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड चिटिन। और सेल वॉल क्या फंक्शन कर रहा था प्लांट्स में? सेल वॉल प्लांट्स को शेप दे रहा था, प्लांट सेल को शेप दे रहा था, प्लांट सेल को सपोर्ट दे रहा था, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम लोग पैरेन्काइमा के बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। स्क्लेरेन्काइमा के टिश्यू जब मैच्योर हो जाते हैं तो इनके जो सेल्स होते हैं ज्यादातर इनमें जो सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। मैच्योर स्क्लेरेन्काइमा में आपको डेड सेल्स नजर आएंगे। इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है? आप स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू के बारे में पहले के लेक्चर में भी जाने कि स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू जो होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा जो होता है वो स्ट्रेंथ, रिजिडिटी और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, मतलब शक्ति देता है, मजबूती देता है और जो ढांचागत जो उसका सहारा उसको प्रोवाइड करवाता है उसको उपलब्ध कराता है, जिसके बदौलत वो प्लांट खड़ा रह पाता है, सीधा अपराइट स्ट्रेट खड़ा रह पाता है वो प्लांट, उसके पार्ट्स इंटैक्ट ज्वाइंट रहते हैं, उससे जो
स्ट्रेंथ होता है उनके पार्ट्स के बीच में, जैसे स्टेम में जो स्ट्रेंथ है, उसके नारियल के जो हस्क में जो स्ट्रेंथ है, कोकोनट का जो हस्क है वो बना हुआ होता है आपके स्केलेटन का हिमेटस टिश्यू से। तो इनका काम मेनली, इनका फंक्शन होता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट ये सब प्रोवाइड करना, ठीक है। इनमें दो तरह के वॉल्स होते हैं, प्राइमरी वॉल्स और सेकेंडरी वॉल्स। और स्क्लेरेन्काइमा के सेल वॉल्स जो होते हैं वो बहुत ही थिक होते हैं, और इनके सेल इनमें करीब करीब 60-80% सेल्यूलोज की मात्रा होती है। नेक्स्ट आपके कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा जो है वो भी आपका एक सपोर्ट टिश्यू है, इसमें लिविंग इलोंगेटेड सेल्स पाए जाते हैं। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्क्लेरेन्काइमा में आपके मैच्योर होने पर डेड सेल्स पाए जा रहे थे, कॉलेनकाइमा में आपके लिविंग इलोंगेटेड सेल्स पाए जाते हैं, और इनके सेल वॉल इरेगुलर होते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि बहुत ही थिक एंड ही होगा या बहुत ही थिन ही होगा। इनके सेल वॉल कहीं पे भी थिक हो सकते हैं, कहीं पे भी थिन हो सकते हैं, क्योंकि इनका काम होता है सपोर्ट देना। तो जहां पर सपोर्ट की आवश्यकता होती है वहां पर इनके सेल वॉल उस हिसाब से थिक और थिन पाए जाते हैं, ठीक है। और इनके सेल्स जो होते हैं कभी कभी पॉलीगोनल साइज के भी होते हैं, और कभी कभी ये सर्कुलर साइज के भी दिखाई देते हैं, ठीक है। और इनके सेल्स जो होते हैं ये लॉन्गिट्यूडनली इंटरलॉक्ड होते हैं, जो कॉलेनकाइमेटस सेल्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनली इंटरलॉक्ड होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आप देखें, सिंपल परमानेंट जो थे वो सिमिलर तरह के सेल से बने थे, एक ही तरह के सेल से बने थे। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होंगे, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, सिंपल का मतलब होता है सरल, ठीक है। तो सिंपल मतलब सरल, मतलब एक ही तरह के सेल्स, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, मतलब एक से अधिक तरह के सेल, इसमें एक से अधिक, दो से अधिक तरह के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं जाइलम में और फ्लोएम में ही आप लोग अगर देखेंगे तो उसमें कितने तरह के सेल हैं। जाइलम में आप लोग जानते हैं जाइलम फाइबर होता है, जाइलम पेरेन्काइमा होता है, फिर से आपका सीव ट्यूब्स वेसल्स और ट्रेचाइट्स होता है जाइलम में, सॉरी ट्रेचाइट्स एंड वेसल्स, और क्या क्या होता है, ट्रेचाइट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। तो ये इसमें आप देख रहे हैं कि चार तरह के सेल से ये बने हुए हैं, आपका जो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम है इसमें चार तरह के सेल्स आप देख पा रहे हैं। जो आपका फ्लोएम है उसमें आप जानते हैं कि फ्लोएम बने होते हैं सीव ट्यूब कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा से, तो इनमें भी देख रहे हैं कि चार तरह के सेल्स पाए जा रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, मतलब इसमें एक से अधिक तरह के सेल्स पाए जाएंगे। जो सिंपल टिश्यू थे उसमें एक ही तरह के सेल्स थे, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाएंगे, एक से अधिक तरह के सेल्स पाए जाएंगे। जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, रेड कलर से आपका जाइलम टिश्यू इंडिकेट किया जा रहा है और ब्लू कलर से आपका फ्लोएम टिश्यू इंडिकेट किया जा रहा है। जाइलम जो है उसमें आप एरो के माध्यम से देख रहे हैं, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाइलम टिश्यू वाटर और मिनरल्स का कंडक्टिंग का काम कर रहा है, वाटर मिनरल्स को कंडक्ट करवा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। आप जानते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम, जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर फोटोसिंथेटिक पार्ट्स, and the parts where water and minerals are required, there it is sent through xylem tissue. And you know phloem tissue, the function of phloem tissue is to conduct food in plants, the food which is produced by the process of photosynthesis in photosynthetic parts like leaf, fruits and petals, sepals. Okay, so mostly in sepals which are green, their photosynthesis occur, in petals they are colored. So sometimes their photosynthesis may happen and sometimes it doesn't happen there. So in the photosynthetic parts, when glucose is produced, that produced glucose and other produced items such as protein, amino acids, fats, those things are also transported through the phloem tissue. The phloem conducts food particles in प्लांट, ओके। आप लोग जानते हैं कि जाइलम और फ्लोएम ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट, कॉम्प्लेक्स का मतलब ही है जटिल, परमानेंट, परमानेंट वैसे टिश्यू हैं जो कि एबिलिटी अपना खो चुके हैं डिवाइड करने के, और टिश्यू, टिश्यू का मतलब कोशिका समूह। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का आप हिंदी में मतलब समझ सकते हैं कि जटिल, जो परमानेंट को आप क्या बोलते हैं, देखिए जो अपना काम को निश्चित कर चुके हैं कि अब वो परमानेंट है, टेम्पररी जो होते हैं वो अस्थाई होते हैं और जो परमानेंट होते हैं वो स्थाई होते हैं, वो फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब आप हिंदी में ये कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, परमानेंट का मतलब स्थाई, और टिश्यू का मतलब कोशिका समूह। तो जटिल स्थाई कोशिका समूह जो है वो आपके दो तरह के हैं, जाइलम और
फ्लोएम, ठीक है, हिंदी में भी आपका समझना जरूरी है क्योंकि आपका भावनात्मक, रचनात्मक और कलात्मक विकास हिंदी में ही हो सकता है। आप सृजन करने की जो आपकी क्षमता है वो हिंदी में ही है, जो आपका कलात्मक, जो रचना करने की जो क्षमता है आपका, वो भी आपका हिंदी में ही है क्योंकि आपका मातृभाषा हिंदी है, आपके बोलचाल का भाषा हिंदी है। तो हम लोगों को सारे चीजों को हिंदी में भी समझना चाहिए, इससे हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हम लोगों का समझ है, वो ज्यादा मजबूत हो पाता है और ज्यादा डीप हो पाता है। हम लोग इसको ज्यादा लॉन्ग टाइम तक इसको हम लोगों के दिमाग में रहता है ये, और हम लोगों को कुछ भी रटना नहीं पड़ता है। ये एक ऑटोमेटिकली लर्निंग प्रोसेस होता है थ्रू अंडरस्टैंडिंग। जब हम लोग समझ जाते हैं तो अपने आप वो लर्न हो जाता है। हम लोग इंटेंशनली इसके लिए, लर्निंग के लिए नहीं बैठते हैं कि हम लोग को रट्टा मारना है बैठ करके, पानी ले लेना 4 लीटर और बैठ के उसको पी पी के रट्टा मारना है, वो काम नहीं, ठीक है। हम लोग जब अंडरस्टैंडिंग के थ्रू लर्निंग करते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग के थ्रू लर्निंग तभी पॉसिबल है जब हम लोग अपने रीजनल लैंग्वेजेस, अपने जो लोकल लैंग्वेजेस और जो हमारा जो नेशनल लैंग्वेज है उसको भी प्रमोट करें और उसमें भी सारे चीजों को समझने का कोशिश करें। तो जाइलम और फ्लोएम ये आपके ऐसे टिश्यू थे। जाइलम आपका वो टिश्यू था जो कि आपके प्लांट्स में वाटर और मिनरल, जल और खनिजों का संचालन करवा रहा था, ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा था, कंडक्ट करवा रहा था फ्रॉम रूट्स टू फोटोसिंथेटिक पार्ट्स, जड़ से उसके जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो हिस्से थे वहां तक वो वाटर, पानी को और खनिजों को पहुंचा रहा था, जाइलम टिश्यू, ठीक है। आप इस इमेज में भी आप जाइलम और फ्लोएम को देख सकते हैं। जाइलम जो है आप देख पा रहे हैं कि सेंट्रल लोकेशन में है। जाइलम जो है आपको पता है स्टेम में, स्टेम को अगर आप कट करेंगे तो आपको स्टेम को कट करने पे स्टेम के सेंट्रल हिस्से में आप जाइलम टिश्यू को देख सकते हैं। जब उसको आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे, एग्जामिन करेंगे, ये आपको उसका माइक्रोस्कोपिक इमेज दिख रहा है जिसमें जाइलम और फ्लोएम दिख रहा है। जाइलम को आप देख सकते हैं कि सेंट्रल पोजिशन में है, आपके ढेर सारे टिश्यूज जो है जाइलम के वो सेंट्रल पोजिशन में है। स्टेम को जब आप क्रॉस सेक्शन उनका कट करके देखेंगे, उनका जब लैटिट्यूडनल व्यू देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ऊपर में आपको जाइलम टिश्यू भी दिखाई देगा और जब लॉन्गिट्यूडनल व्यू देखेंगे उसमें भी आपको जाइलम और फ्लोएम रनिंग दिखाई देंगे। यहाँ पर आप इस इमेज में भी देख सकते हैं जो येलो, ब्राउनिश येलो कलर से आपको जो रीजन दिख रहा है वो जाइलम टिश्यू का रीजन है, जो ब्लूइश कलर से जो आपको रीजन दिख रहा है वो फ्लोएम टिश्यू का रीजन है। तो जाइलम और फ्लोएम जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, यानी कि ये जटिल स्थायी कोशिका समूह है, इनका काम क्या है, इनका जाइलम का काम है जल को और खनिजों को प्लांट्स के डिफरेंट रीजन में पहुंचाना, और फ्लोएम का काम है जो बना हुआ फूड है जैसे कि ग्लूकोज, जो एमिनो एसिड्स बन रहा है। आपको पता है कौन से प्लांट्स एमिनो एसिड बनाते हैं? जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं। लेगुमिनस प्लांट्स मतलब लेग्यूम्स, लेग्यूम्स मतलब दलहन के पौधे, दलहन के पौधे मतलब जो पौधे जिनमें दाल उगता है, जैसे कि चना का, मूंग का, मसूर का, ठीक है, तुअर का, आप लोगों ने ये दाल खाया है। तो ये सब जो दाल वाले जो पौधे होते हैं उनको हम लोग लेगुमिनस प्लांट बोलते हैं, लेग्यूम्स बोलते हैं। उनमें उनके अंदर एमिनो एसिड्स और प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, पी, मस्टर्ड, ग्राम, ये सब आपके एग्जांपल हैं लेग्यूम्स के। तो ये सब प्लांट्स में, आपके लेगुमिनस प्लांट्स में, उनके रूट नोड्यूल्स पे, इनके जड़ों के जो नोड्स होते हैं, इनको इनके जड़ों के नोड्स पे, रूट नोड्यूल्स पे रिजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, आपको पता है। और ये रिजोबियम बैक्टीरिया एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सॉल्युबल नाइट्रेट्स में बदलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं, और उस नाइट्रेट्स को जाइलम के माध्यम से एब्जॉर्ब, रूट हेयर जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो जाइलम के जरिए उनको भेज दिया जाता है डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट के, और फिर उन प्लांट के सेल के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वहां इन नाइट्रेट्स को भेजा जाता है, और उन राइबोसोम्स में इन नाइट्रेट से एमिनो एसिड्स और प्रोटीन को फॉर्म किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो प्रोटीन बनता है इसको फ्लोएम टिश्यू ही अपने जरिए डिफरेंट रीजन्स में पहुंचाते हैं, जो प्लांट के अलग अलग हिस्से हैं। आपको पता है, आपने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि प्लांट के अलग अलग रीजन्स में प्लांट अपने फूड को स्टोर करते हैं, प्लांट रूट में भी फूड को स्टोर करते हैं, प्लांट स्टेम में भी फूड को स्टोर करते हैं, प्लांट लीफ में भी फूड को स्टोर करते हैं, प्लांट फ्लावर में भी स्टोर करते हैं, और फ्रूट्स में भी स्टोर करते हैं। आप जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स खाते हैं प्लांट्स के, कभी आप उनके रूट को खाते हैं जैसे कैरोट खाएं आप, कभी आप उनके स्टेम को खाते हैं जैसे आप ओनियन खाएं, कभी आप उसके लीफ को खाते हैं जैसे आप स्पिनेच को खाएं, कभी आप उनके स्टेम को खाते हैं, ठीक है, कभी आप उनके स्टेम वाले पौधे जैसे आप स्पिनेच में ही कभी उनका स्टेम का भी रीजन आप खा जाते हैं, पत्ता के साथ साथ उनका स्टेम भी आप खाते हैं, ठीक है, फिर से स्टेम खाएं, फ्रूट खाएं, फिर से ओनियन में आप देखें कि स्टेम खाएं उसका
प्याज का, प्याज जो खाए वो दरअसल उस प्लांट का स्टेम था जिसको आप खाएं। तो इस तरीके से आप प्लांट्स के डिफरेंट रीजन्स को जो खाएं उसका स्टेम खाएं, रूट खाएं, जो फ्रूट खाएं, फ्लावर, फ्लावर से भी आप देखते हैं एक अगस्त का फूल होता है उसका बचका बनता है आपके भी घर में, तो आप फ्लावर्स भी खाते हैं, ठीक है, फिर से आप फ्रूट्स खाते हैं, तो उन सभी रीजन्स में आपके फूड होते हैं और वो फूड भेजा जाता है फ्लोएम टिश्यू के जरिए। तो ये जाइलम और फ्लोएम कंडक्ट करने का काम कर रहे हैं फूड एंड वाटर को। जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम कंडक्ट फूड इन प्लांट्स। तो बच्चों आज आपने समझा प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू आपके दो तरीके से डिवाइडेड है, मेरिस्टमैटिक और परमानेंट। मेरिस्टमैटिक टिश्यू डिवाइडेड है आपके एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी में। परमानेंट डिवाइडेड है सिंपल और परमानेंट में। सिंपल परमानेंट है आपके कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और आपका पेरेनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स आपका जाइलम और फ्लोएम।